मेवाड़ राज्य में हाईकोर्ट ही नहीं वरन सुप्रीम कोर्ट थी, और सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के द्वारा रिट ऑफ प्रीरोगेटिव जारी करने के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार था। इसका फैसला मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज के मुंशी और जवान सिंह जी राणावत द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस कोर्ट का क्षेत्राधिकार इंग्लैंड की किंग्स बेंच के समकक्ष है, इसलिए मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच का होना अति आवश्यक है। ये किंग्स बेंच की जो तुलना की गई थी उदयपुर मेवाड़ के अंदर, तो उसका अस्तित्व कब खत्म हुआ और उसके कारण क्या थे? क्योंकि भारत का मर्जर हो गया, राजस्थान का मेवाड़ का राजस्थान में मर्जर हो गया, तो उसके बाद में कोर्टें खत्म हो गई और उस वक्त संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर में हुई और उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की, पूरे संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर में थी और हाईकोर्ट भी उदयपुर में थी। हाईकोर्ट भी उदयपुर में 1950 तक। तो फिर जब सारे राज्यों का वापस विलीनीकरण हुआ, तब जयपुर और जोधपुर के बीच में ये झगड़ा हुआ कि आप जोधपुर चाहता था कि हमारे यहाँ हाईकोर्ट बेंच हो और हमारे यहाँ राजधानी हो, जयपुर वाले चाहते थे हमारे यहाँ राजधानी हो, तो जोधपुर को हाईकोर्ट दे दी गई, जयपुर को राजधानी दे दी गई और उदयपुर के लिए तब ये कहा गया था कि हम आपको इस बात पर विचार करेंगे कि उदयपुर में इस बेंच की स्थापना हो। तो उसका कोई राइटिंग डॉक्यूमेंट्स है कि जिस समय की ये समझौता हुआ था? सर कैबिनेट में है सारे, उसके बाद में पहली राजधानी तो उदयपुर में थी, ये तो एक राजपत्र है, उसके बाद कैबिनेट में है और इसी कारण मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख बनाया गया था उस हेड, और मान सिंह जी राज प्रमुख थे, भूपाल सिंह जी महाराज प्रमुख, इसी कारण सुधाकर में सब है। आपके टाइम पे भी जब आई थी, आप जब थे काउंसिल के अध्यक्ष थे, तब आपके समय भी ये बेंच की स्थापना होने के आदेश निकले थे, मगर वो भैरव सिंह जी के टाइम पे वापस गई थी, उसके क्या कारण थे? उसके कारण शायद लीक हो गया, जोधपुर वालों ने विरोध प्रारंभ कर दिया कि हम आपके यहाँ से विरोध करेंगे, तो इस कारण उस वक्त रुक गई। तो वो कागज कहाँ है जो उस समय उन्होंने आदेश किया? विधानसभा में कार्यालय, इसमें सरकार के कार्यालय में होंगे। तो कपिल सिब्बल कैसे कह रहे हैं कि अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है हमारे पास? वो कह रहे हैं हमारे पास प्रस्ताव एस्टेब्लिशमेंट का प्रस्ताव नहीं है, हाईकोर्ट बेंच का होने का हमारा डिमांड गई है, वो उनके पास नहीं, वो नहीं कर रहा है, स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, हमारी मांग उनके पास है, उसके ऊपर विचार चल रहा है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर स्थापित करने का विचार कर लिया है, ये बात वो नहीं कह रहे। वो कागज हम दे कर गए मोहली से, मिल कर गए मोहली लॉ मिनिस्टर वाज देयर एंड आई और गिरिजा जी व्यास और क्या कहना रघुवीर और सीपी साहब ने टेलीफोन किया और ये तारसिंह जी भोगरा थे और हम सब 7-8 जने यहाँ से और गए थे। तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं, प्रस्ताव तो है पर आपने उस पर विचार नहीं किया अभी तक और उसका प्रस्ताव नहीं बनाया, उसके ऊपर आपने निर्णय नहीं लिया, फॉरवर्ड नहीं किया, आपने उसको अभी तक तवज्जो नहीं दिए। इट डज शो दैट यू आर हैविंग नो तवज्जो, तवज्जो नहीं दे रहे हैं आप इस बात को। तो राहुल गांधी से भी तो कोई बात हुई थी? राहुल गांधी से भी बात हुई, मैं और एक बार पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम अपने, राजीव गांधी, तभी मिलने गए आप सर्किट हाउस, तब भी हमने हाईकोर्ट बेंच की मांग की थी। और राजीव गांधी उस वक्त ये भी था सर्किट बेंच उदयपुर में होनी चाहिए, उन्होंने उसको दिल्ली बुलवाया ही था और इसी बीच में वो उनकी डेथ हो गई और हम गए थे यहाँ सर्किट हाउस, यहाँ मिले थे हम राजीव गांधी से। ये तो जिनको पता है उसको तो पता है यार, 20 साल से चल रही है हाईकोर्ट बेंच की मांग, 32 साल हो गए, 32 साल हो गए, अब सीमा है, और सरकार के मुगरे लोग हैं, राजीव गांधी की चिट्ठी तो आपके पास होगी अंदर, अनजी अनोनी बात है, महारा पई गटी बोलम के जगह फाड़ी पई है, हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सरकार यूं कहे तो गलत बात है। अब अभी आज की तारीख में ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेवाड़ ने किस तरीके से जोधपुर वाले, मैं नहीं कहना चाहता, जोधपुर वाले पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और मेवाड़ वाज द फर्स्ट स्टेट, जोधपुर पाकिस्तान से मिलना चाह रहा था जब भारत आजाद हुआ, यदि वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो जोधपुर पाकिस्तान का भाग होता, भोपाल सिंह वल्लभ भाई पटेल ने जो है उसके ऊपर फोर्स डाल के किया, नहीं जाऊंगा मैं पाकिस्तान के साथ, नहीं जाऊंगा और मेवाड़ वाज द फर्स्ट स्टेट टू मर्जी, जोधपुर वाला तो पाकिस्तानी है, 26 जो स्टेट थी हमारी से सबसे पहले पाकिस्तानी लिए और मर्जर हुआ और 26 जो स्टेट थी उसमें पहला काला पहला जो है वो
अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो जोधपुर आज पाकिस्तान का भाग होता। बंदूक के जोर पे लगे हैं, बंदूक के जोर पे पटेल ने वहां पे वो जा रहा था फोर्स की खड़ी की और जोधपुर वाले को कंपेल किया गया राजस्थान में भी। और ये हमारा इंडियन ही हिजाइनेस ने कंपेल किया, वो तो थे सरदार पटेल इस हिजाइनेस ने। गहलोत साहब राजस्थान के हो सकते हैं, वो अन्य देश के हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फांसी यहाँ पर भोपाल सिंह ने रोकी, बताओ फतेह सिंह ने फांसी नहीं होने चेंगड़ी के गांव के आदमी को फांसी।